नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम लोग ना जाने ये कविता कितनी बार सुने होंगे बड़ों से, स्कूल में अक्सर हम ये कविता सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या हम लोगों ने कभी इसे फॉलो किया? अगर हम किसी से एडवाइस लेते भी हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हम कोशिश करते हैं, एक दो दिन कोशिश करते हैं, तीसरे दिन से हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करनी चाहिए। अगर हम इंग्लिश सीखने टाइम अगर हम जी जान से कोशिश करते तो हम आज इंग्लिश बोल पाते, एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन पाते, लेकिन हम कोशिश करते ही नहीं है, हम प्रैक्टिस करते ही नहीं है, जिसकी वजह से ये होता है कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं और बहुत सारे लोगों के बीच हमारी बेइज्जती हो जाती है कि हम इंग्लिश नहीं जानते हैं। आज के इस वीडियो में आप बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि आप ग्रामर सीख लेते हैं, ग्रामर के रूल भी आपको समझ में आ जाते हैं, लेकिन जब उसकी प्रैक्टिस करने की बारी आती है तो आपके पास टाइम नहीं होता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस वाली क्लास लाई हूँ, ताकि आप मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कर पाए। आज जो मैं लेकर आई हूँ डेली यूज सेंटेंसेस है, डेली यूज सेंटेंसेस इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि आप जो डे टू डे कॉन्वर्सेशन करते हैं ना किसी से हिंदी में, उसे इंग्लिश में बोल पाए। जैसे कि अगर आपको बोलना हो किसी से अपनी मुट्ठी खोलो, कोई बच्चा है या बड़ा है कोई अपनी मुट्ठी बंद किया रहता है तो हम बोलते हैं ना अपनी मुट्ठी खोलो, तो उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं अनक्लेच योर फिस्ट। यहाँ पे जो फिस्ट आप देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है मुट्ठी, और खोलने के लिए हम लोग ने अनक्लेंच का यूज किया। अपनी मुट्ठी खोलो, अनक्लेंच योर फिस्ट। इसी तरह से मेरे साथ भी आप बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। वह थक रही है, सी इज टायरिंग। वह थक रही है, सी इज टायरिंग। अगर आप यहाँ पे मैं वह थक रही है फीमेल की बात कर रही हूँ, अगर मेल की बात करें कि वह थक रहा है, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, ठीक है? उसे बेचैनी हो रही है, बेचैनी यानी कि बहुत घबराहट होने लगती है ना हमें अचानक, तो हम बोल सकते हैं उसे बेचैनी हो रही है, सी इज फीलिंग अनइजी। यहाँ पर बेचैनी के लिए हम लोगों ने अनइजी का यूज किया है, सी इज फीलिंग अनइजी। उल्टा जवाब देना बंद करो, स्टॉप आंसरिंग बैक, स्टॉप आंसरिंग बैक। उल्टा जवाब देना बंद करो, कानाफूसी मत करो, डोंट विस्पर। कानाफूसी के लिए यहाँ पे हम लोगों ने विस्पर का यूज किया है, कानाफूसी मत करो, डोंट विस्पर। यह उसकी गलती नहीं है, इट्स नॉट हिज फॉल्ट, इट्स नॉट हिज फॉल्ट। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, यह उसकी गलती है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, यह उसकी गलती है। मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आई नो यू वेरी वेल, आई नो यू वेरी वेल। यह जानने के लिए हम लोगों ने नो का यूज किया है, और अच्छे से के लिए वेरी वेल। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आई नो यू वेरी वेल। अगर मैं कहूँ मैं आपको अच्छे से नहीं जानती हूँ, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये आपको देखना है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। आपको मेरा नंबर कैसे मिला, हाउ डिड यू गेट माई नंबर। किसी को आपका नंबर मिल जाता है तो आप उसे पूछते हो ना कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला या फिर कैसे मिला, हाउ डिड यू गेट माई नंबर, हाउ डिड यू गेट माई नंबर। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। नेक्स्ट हमारे सेंटेंस है, हो सके तो मुझे कॉल करना। ये जो हम बोल रहे हैं ना हो सके, तो अक्सर हम अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं ना, हो सके तो तुम आ जाना, हो सके तो तुम वहां जाना, हो सके तो तुम पढ़ाई कर लेना, हो सके तो तुम स्कूल जाना, हो सके तो। ये जो बार बार हम बोल रहे हैं ना हो सके तो, इसके लिए हम बोलेंगे इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल। हो सके तो मुझे कॉल करना, इफ पॉसिबल कॉल मी, इफ पॉसिबल कॉल मी। मुझे कॉल कर लेना के लिए हम बोलेंगे कॉल मी, If possible call me। हो सके तो मुझे call करना, हो सके तो एक और ले आना, मतलब आप एक सामान उसको लाने के लिए बोल रहे हो लेकिन आपने पैसे ज्यादा दिए हैं, तो आप बोल सकते हो ना कि हो सके तो एक और ले आना, अगर पैसे बच जाएंगे तो एक और ले आना, तो इस तरह से बोल सकते हो इफ पॉसिबल ब्रिंग वन मोर। यहाँ लाने के लिए ब्रिंग का यूज किया गया है, और एक और के लिए वन मोर, इफ पॉसिबल ब्रिंग वन मोर। हो सके तो ये कर देना, हो सके तो ये कर देना, इफ पॉसिबल डू दिस, इफ पॉसिबल डू दिस। अब हो सके तो के लिए हम लोग क्या यूज करें, इफ पॉसिबल। ये आपको समझ में आ गया, एक सेंटेंस में आप लोगों के लिए देती हूँ। हो सके तो आप प्रैक्टिस कर लेना, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तुम कितने बजे सोते हो, किसी से आप पूछते हो ना कि मैं तो 10 बजे सोता हूँ, तुम कितने बजे सोते हो, तो तुम कितने बजे सोते हो, व्हाट टाइम डू यू स्लीप,
व्हाट टाइम डू यू स्लीप, यहाँ पर ते होता है हम बात कर रहे हैं ना, इसीलिए डू का यूज हम लोगों ने किया है। हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम डू डज का यूज करते हैं और यू के साथ हमेशा डू का यूज होता है। व्हाट टाइम डू यू स्लीप, तुम कितने बजे सोते हो। तुमने खाना कितने बजे खाया, खाया बोल रहे, तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। मैंने टेंस की वीडियो ऑलरेडी एक बना रखी है, अगर आपने विजिट नहीं किया तो आप उसे जरूर विजिट कर लीजिएगा। अगर आपको और भी अच्छे तरह से टेंस समझना है तो मुझे कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिएगा कि आपको टेंस सीखना है, मैं आप लोगों के लिए टेंस की प्रैक्टिस वाली क्लास जरूर लेकर आऊंगी। जैसे आपको कहना हो तुमने खाना कितने बजे खाया, खाया हम बोल रहे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो हम बोलेंगे व्हाट टाइम डिड यू ईट फूड। व्हाट टाइम डिड यू ईट फूड, डिड का यूज किया क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज होता है सभी सब्जेक्ट के साथ। व्हाट टाइम डिड यू ईट फूड, तुम ज्यादा भाव खाते हो, यू एक्ट सो प्राइसी, यू एक्ट सो प्राइसी, तुम ज्यादा भाव खाते हो। ता है ती है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यू के बाद डायरेक्ट वर्ब का यूज हुआ है। You act so pricey, आप किसी को बोल सकते हो ना, You act so pricey, तुम ज्यादा भाव खाते हो। मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया है, मतलब किसी के द्वारा बताया गया है, मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया है। I have been told about you, I have been told about you। हमारी टीम कहाँ खेल रही होगी, Where will our team be playing, Where will our team be playing, यहाँ पर रही हूँ, रहा, ये समझ में आ रहा ना आपको, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए देती हूँ मैं, राम कहाँ पढ़ रहा होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारा बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। बच्चे अक्सर बहुत बहाना बनाते हैं, स्कूल नहीं जाते तो टीचर से कहते हैं ना, मेरे पेट दुख रहा था, मेरा सिर दुख रहा था, इसलिए मैंने होमवर्क नहीं बनाया। तो टीचर क्या बोलते हैं, बहाने मत बनाओ। तो टीचर बोल सकते हैं डोंट मेक एक्सक्यूजेस, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ। मैं कभी बहाने नहीं बनाता, आगे वाला बोल रहा आपसे कि मैं कभी बहाने नहीं बनाता, मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं कभी बहाने नहीं बनाता। आई नेवर मेक एक्सक्यूजेस, आई नेवर मेक एक्सक्यूजेस, कभी नहीं वाला बात बोल रहे ना, इसलिए नेवर का यूज किया हम लोगों ने। क्या तुम बहाने बनाते हो, डू यू मेक एक्सक्यूजेस, क्या तुम बहाने बनाते हो, डू यू मेक एक्सक्यूजेस। अब बहाने से रिलेटेड मैं आपको एक सेंटेंस होमवर्क के लिए देती हूँ, तुम बहुत बहाने बनाते हो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। कहाँ से मिला ये तुम्हें, आपको कुछ सामान मिल गया तो पेरेंट्स आपसे पूछ रहे हैं कहाँ से मिला ये तुम्हें, तुमने कहाँ से उठा लिया, तो तुम्हें कहाँ से मिला ये, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम। दिमाग मत खराब करो मेरा, अक्सर कोई काम करते हैं पेरेंट्स, बच्चे आके परेशान करते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं ना दिमाग मत खराब करो मेरा, तो बोल सकते हैं डोंट बग मी, दिमाग खराब के लिए हम लोगों ने बग का यूज किया है। दिमाग मत खराब करो मेरा, डोंट बग मी, तुम हमेशा मेरा दिमाग खराब करते हो, यू ऑलवेज बग मी, यू ऑलवेज बग मी, तुम हमेशा मेरा दिमाग खराब करते हो। मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो, व्हाई आर यू बगिंग मी, व्हाई आर यू बगिंग मी, तुम मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है दिमाग से रिलेटेड, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हो सके तो उसे बता देना, अब हो सके वाला सेंटेंस आ गया ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा इसमें क्या यूज करेंगे, इफ पॉसिबल। हो सके तो उसे बता देना, इफ पॉसिबल टेल मी, इफ पॉसिबल टेल मी। गाइस आप इंग्लिश तभी बोल पाइएगा जब आप इंग्लिश को समझिएगा, इंग्लिश की भाषा को समझिएगा। जैसे आपको बॉलीवुड की बातें पसंद आती है, लेकिन उसी बीच में मैं आपको क्रिकेट की बातें करने लगूं तो क्या आपको अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि आपको बॉलीवुड की बातें अच्छी लगती है, उसके बीच में अगर मैं क्रिकेट की बातें करने लगूं तो आप बोर हो जाएंगे। उसी तरह से अगर आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट दिखानी पड़ेगी, आपको बोर नहीं होना है, आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट खुद ही लाना होगा, और उस इंटरेस्ट लाने के लिए आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी होगी। आप मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी इंग्लिश इंटरेस्टिंग लगने लगेगी और आप भी इंग्लिश बोल पाइएगा। जैसे कि हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, बस आने वाली थी, बस आने वाली थी, अभी आई नहीं है, कुछ होने वाला रहता है तो उसमें हम अबाउट टू का यूज करते हैं। ये मैंने एक वीडियो में बताया है, जब कुछ होने वाला रहता है उसमें अबाउट टू का यूज किया जाता है। तो हम क्या बोले, बस आने वाली थी, बस आई नहीं है, तो बस आने वाली थी, द बस वॉज अबाउट टू अराइव, अबाउट टू का यूज किए क्योंकि कुछ होने वाला रहता है तो अबाउट टू का यूज करते हैं। द बस वॉज अबाउट टू अराइव, वह सोने वाली थी, सी वॉज अबाउट टू स्लीप, He was about to sleep. वह खेलने वाला था, He was about to play. He was about to play. एक सेंटेंस आप लोगों के लिए,
वो पढ़ने वाला था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वह जा रही है, सिंपल सेंटेंस रहा है, रही है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। वह जा रही है, सी इज गोइंग। इस तरह से आपको सेंटेंस खुद बनाना है। वह आ रहा है, ही इज कमिंग। आप वहां जा रहे हैं, यू आर गोइंग देयर। इस तरह से आपको सेंटेंस को खुद ही बनाना होगा। एक सेंटेंस मैं आपको बना रही हूँ, उसी से रिलेटेड आपको बहुत सारे सेंटेंस खुद से बनाना होगा। नेक्स्ट, तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। तुम पढ़ रहे हो, अगेन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। वह मेरे लिए मायने नहीं रखती, वह मेरे लिए मायने नहीं रखती। सी डजंट मीन टू मी, सी डजंट मीन टू मी। वह मेरे लिए मायने नहीं रखती। 5 बजे है, इट्स 5 o'clock। मम्मी ने पूछा कितने बजे हैं, मैंने बोला इट्स 5 o'clock, 5 बजे हैं। या फिर मैं बोल रहा हूँ 5:30 बजे हैं, इट्स 5:30। It's 5:30, 5:30 बजे हैं। बिस्तर से उतरो, बिस्तर गंदे हो जाएंगे, बिस्तर से उतरो। Get off the bed, get off the bed। दरवाजा खोलो, दरवाजे पे कोई आया है, दरवाजा खोलो। Open the door, open the door। दरवाजा बंद मत करो, don't shut the door, don't shut the door। दरवाजा थोड़ा खुला रखो, मतलब पूरा बंद भी नहीं रखना है, पूरा खुला भी नहीं रखना है, आधा खुला रखना है। तो हम बोल सकते हैं keep the door slightly open, keep the door slightly open। दरवाजा पूरा खुला रखो, मतलब पूरा खोल के रखना है दरवाजा, तो बोलेंगे keep the door fully open, keep the door fully open। तो आपको ध्यान रखना है, जब आप अगर बंद करने की बात बोल रहे हैं तो आप बोल सकते हैं shut the door, थोड़ा खुला रखने, ना पूरा बंद है ना थोड़ा पूरा खुला है, थोड़ा सा खुला है उसमें हम बोल सकते हैं keep the door slightly open। अगर पूरा खुला रखने की बात करेंगे तो बोलेंगे keep the door fully open, ठीक है। दस्तावेजों को अलमारी में डालो, पुट द डॉक्यूमेंट्स इनटू द अलमायरा, पुट द डॉक्यूमेंट्स इनटू द अलमायरा। कपड़े ठीक से रखो, कीप द क्लोथ प्रॉपरली, कपड़े ठीक से रखो, कीप द क्लोथ्स प्रॉपरली। कपड़ों को अलमारी से बाहर निकालो, टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमायरा, टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमायरा। एक सेंटेंस आप लोग के लिए गाइस, दरवाजा को पूरा बंद कर दो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है, मैं इसे तुमसे नहीं लूंगा, मैं किसी और से लूंगा लेकिन मैं तुमसे नहीं लूंगा, मैं इसे तुमसे नहीं लूंगा। आई विल नॉट टेक इट फ्रॉम यू, आई विल नॉट टेक इट फ्रॉम यू। क्या वे बहुत बातें करते हैं, डू दे टॉक अ लॉट, डू दे टॉक अ लॉट। वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते, दे डोंट लाइक ईच अदर, दे डोंट लाइक ईच अदर। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्या आपको मिला, डिड यू गेट इट। आप जो ढूंढ रहे हो, क्या आपको मिला, डिड यू गेट इट। कृपया बैठ जाइए, प्लीज बी सीटेड, कृपया बैठ जाइए, प्लीज बी सीटेड। जल्दी जाओ, गो क्विकली, जल्दी जाओ, गो क्विकली। मैं रास्ते पर हूँ, आई एम ऑन माई वे, आई एम ऑन माई वे। मैं अपने रास्ते पर हूँ। उसे सर्दी है, सी हैज अ कोल्ड, सी हैज अ कोल्ड। क्या आप इसे फिर से समझा सकते हैं, कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन, कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन। क्या आप इसे फिर से समझा सकते हैं। आप बहुत दयालु है, यू आर वेरी काइंड, यू आर वेरी काइंड। मैंने कल अपनी घड़ी खो दी, मतलब मैं घड़ी पहन के तो गई थी लेकिन मैंने खो दिया, तो बोलेंगे आई लॉस्ट माई वॉच यस्टरडे, I lost my watch yesterday। मुझे बताओ ये कैसे काम करता है, Tell me how it works, Tell me how it's work। मतलब कोई सामान है कैसे कार्य करता है, मुझे बताओ। तो मुझे बताओ के लिए हम बोले Tell me, उसके बाद यह कैसे काम करता है, How it's work। एक सेंटेंस आप लोग के लिए है, मुझे बताओ मैं भी वहां जाऊंगी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। मैं कुछ करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। चाहता हूँ, इसीलिए वॉन्ट का यूज किए। मैं कुछ करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। मैं आज जल्दी घर नहीं आ सकता, आई कांट कम होम अर्ली टूडे, आई कांट कम होम अर्ली टूडे। मैं तुम्हारी मदद करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू हेल्प यू, आई वुड लाइक टू हेल्प यू। यहाँ पर करना चाहूंगा, करना चाहूंगा के लिए हम आई वुड लाइक टू का यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस आप लोग के लिए है, मैं आज वहां जाना चाहूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तुम मेरे साथ नहीं आओगे, यू विल नॉट कम विथ मी, यू विल नॉट कम विथ मी। तुम मेरे साथ नहीं आओगे। हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग। सोचना बंद करो, स्टॉप थिंकिंग, सोचना बंद करो, स्टॉप थिंकिंग। कृपया कुछ कहो, प्लीज से समथिंग, प्लीज से समथिंग। कृपया कुछ कहो, कृपया अपनी मदद खुद करे, प्लीज हेल्प योर सेल्फ, प्लीज हेल्प योर सेल्फ। मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आई फील मच बेटर।
काफी अच्छा, हम जो बोल रहे हैं ना बेहतर, उसके लिए हम मच बेटर का यूज कर सकते हैं, और महसूस के लिए फील। मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, आई फील मच बेटर। क्या मैं कल आ सकता हूँ? कैन आई कम टुमारो? कैन आई कम टुमारो? मैंने किसी को नहीं बताया, आई हैवन टोल्ड एनी वन, आई हैवन टोल्ड एनी वन। उसको मत बताना, डोंट टेल हर, डोंट टेल हर, उसको मत बताना। एक सेंटेंस आप लोग के लिए गाइस, रोना बंद करो। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, ताकि आपको ऐसे वीडियोस और ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेगी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब है समय पर आओ, कम ऑन टाइम। समय पर आओ, कम ऑन टाइम। क्या करे, व्हाट टू डू? क्या करे, व्हाट टू डू? अपनी किताब बंद करे, क्लोज योर बुक, क्लोज योर बुक। मेरा दोस्त कहाँ है, वेयर इज माई फ्रेंड, वेयर इज माई फ्रेंड। मेरे पापा कहाँ है, वेयर इज माई फादर। मेरी मम्मी कहाँ है, वेयर इज माई मदर। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है। मेरा भाई कहाँ है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अपनों से बड़ों की इज्जत करो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तुम्हें यह लेना चाहिए, यू शुड टेक इट। यहाँ पे चाहिए एडवाइस दे रहे तो शुड का यूज करेंगे। तुम्हें यह लेना चाहिए, यू शुड टेक इट। कोई रास्ता नहीं है, देयर इज नो वे, देयर इज नो वे, कोई रास्ता नहीं है। क्या ये सही है, इज इट करेक्ट, इज इट करेक्ट, क्या ये सही है? मैं जल्द ही वापस आऊंगा, आई विल बी बैक शॉर्टली। यह वास्तव में अच्छा था, इट वॉज रियली गुड, इट वॉज रियली गुड। वास्तव में हम जो बोल रहे हैं ना, उसके लिए रियली का यूज करेंगे। यह वास्तव में अच्छा था, इट वॉज रियली गुड। यह वास्तव में समय लेता है, इट रियली टेक्स टाइम। यह वास्तव में काफी अच्छा काम करता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आप इसे खुद करो, यू डू इट योर सेल्फ, यू डू इट योर सेल्फ। आप मुझे प्रेरित करते हैं, यू इंस्पायर्ड मी, यू इंस्पायर्ड मी। मुझे थोड़ी सहायता की जरूरत है, आई नीड अ लिटिल हेल्प, आई नीड अ लिटिल हेल्प। थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है। ये तुम्हारी भूल नहीं है, इट्स नॉट योर फॉल्ट। तुम पछताओ मत, ये तुम्हारी भूल नहीं है, इट्स नॉट योर फॉल्ट। काम करो, डू द वर्क, काम करो, डू द वर्क। अपना काम करो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इसे नीचे ले जाओ, टेक इट डाउन, इसे नीचे ले जाओ, टेक इट डाउन। कौन सा लेना, विच वन टू टेक। कौन सा लेना है, विच वन टू टेक। कौन सा लेना है, विच वन टू टेक। जल्दी उठो, गेट अप अर्ली, गेट अप अर्ली। आपको अभी जाना चाहिए, यू शुड गो नाउ, यू शुड गो नाउ। हर कोई उस बच्चे को प्यार करता है, मतलब कोई बच्चा है जो बहुत अच्छा है, उसे हर कोई प्यार करता है। तो आप बोल सकते हो, एवरीवन लव्स दैट चाइल्ड, एवरीवन लव्स दैट चाइल्ड। मुझे वास्तव में किसी की जरूरत है, आई रियली नीड समवन, आई रियली नीड समवन। मुझे ये याद है, आई रिमेम्बर इट, आई रिमेम्बर इट। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है। मुझे ये याद नहीं है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वह अच्छा गाती है, सी सिंग्स वेल, सी सिंग्स वेल। थोड़ा सो लो, गेट सम स्लीप, गेट सम स्लीप। मुझे चक्कर आ रहा है, आई एम फीलिंग डिजी। चक्कर आने के लिए डिजी का यूज किया गया है। मुझे चक्कर आ रहा है, आई एम फीलिंग डिजी। मैं इसे छोड़ता हूँ, आई गिव इट अप, आई गिव इट अप। दरवाजा बंद करो, लॉक द डोर, लॉक द डोर। मुझे यहाँ रहना पसंद है, आई लाइक लिविंग हियर, आई लाइक लिविंग हियर। मुझे यहाँ रहना पसंद है। मजाक करना बंद करो, स्टॉप जोकिंग, स्टॉप जोकिंग। इसे वहां रखो, कीप इट देयर, कीप इट देयर। किसी को भेजो, सेंड समवन, किसी को भेजो, सेंड समवन। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है। परेशान करना बंद करो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है। किसी को कोई बात बुरी लग गई, वो गुस्सा हो गया, तो आप उससे बोल रहे हैं, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है। तो बोल सकते हो, व्हाट्स देयर टू गेट एंग्री, व्हाट्स देयर टू गेट एंग्री। मैं सुबह से आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉल यू सिंस मॉर्निंग। सुबह से हम बात कर रहे हैं ना, इसलिए सिंस मॉर्निंग का यूज किए हैं, आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉल यू सिंस मॉर्निंग। लेकिन तुम फोन नहीं उठा रही हो, बट यू आर नॉट पिकिंग अप द फोन, बट यू आर नॉट पिकिंग अप द फोन। इंतजार कराने के लिए माफी चाहती हूँ, सॉरी टू कीप यू वेटिंग, सॉरी टू कीप यू वेटिंग। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, आई एम डेड सेट अगेंस्ट इट, आई एम डेड सेट अगेंस्ट इट। किसी तरह मैं बचा, आई एस्केप्ड समहाउ, आई एस्केप्ड समहाउ।
सावधान रहना, बी ऑन योर गार्ड, मदद करना, गिव मी अ हैंड। गाइस सावधान रहना के लिए बी ऑन योर गार्ड का तो यूज कर सकते हैं, और एक सेंटेंस है जिसका यूज कर सकते हैं, वो सेंटेंस क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट टाइम आ रहा है, ये ठीक नहीं है, इट्स नॉट राइट, मैं तुम्हें जल्द ही कॉल करूंगा, आई विल गिव यू बज सून। मुझे नहीं पता कि आपने मुझे कब कॉल किया, आई डोंट नो व्हेन यू कॉल्ड मी। बार बार कॉल मत करो, डोंट कॉल ओवर एंड ओवर। वह मोबाइल में मग्न है, मतलब दिन भर वो मोबाइल चलाता रहता है, तो पेरेंट्स बोलते हैं ना वो मोबाइल में मग्न है, ही इज इंग्रोस्ड इन मोबाइल। इसे आसान कर दो, मेक इट इजी। सीधे जाना, गो स्ट्रेट। मैं पैदल आया, आई कैम ऑन फुट। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मैं बाइक से आया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्लाइड है हमारा, वो अमेरिका नहीं जा पाया, ही कुडंट गो टू अमेरिका। तुम्हें अपनी गलती माननी चाहिए, You should admit your mistake. मैं शाकाहारी हूँ, I am a vegetarian. एक सेंटेंस आप लोग के लिए है, मैं मांसाहारी हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। काश मैं कर पाता, I wish I could. काश मुझे पता होता, I wish I knew. वो मुझे गालियां बक रहा है, He is abusing me. ऐसा क्यों किया, Why did you do this? मुझे ये बड़ा मुश्किल लगा, I found it very hard. एक लास्ट सेंटेंस आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है, आज मुझे बहुत मजा आया, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए कीप लर्निंग।